हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, 8 जनवरी से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था और अभी तक जो 31 जनवरी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या पेपर का लेवल रहा है, कितने एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, और सभी तरह के जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि आपको लगभग आपके जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो पाए। कट ऑफ मार्क्स भी क्या जा सकता है। देखिए, एक तो जो 14 जनवरी को हमने डिस्कस किया था, 8 से 13 तक जो एग्ज़ाम हुए थे उनका, और उस दिन बताया था आपको कि वैकेंसीज 2 से 2.5 हज़ार के अराउंड बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये क्लियर हो चुका है कि 2,000 वैकेंसी बढ़ चुकी है। 2017 में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे, ये लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उसमें से 8 लाख के अराउंड एग्जाम में अपियर हुए थे। 2017 में 14,000 वैकेंसीज थी। अभी की बात करें तो 12 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। ये ना सिर्फ एमपी बल्कि जो अदर स्टेट्स हैं, सभी स्टेट से भरते हैं लोग फॉर्म। इसमें पहले लग रहा था कि अराउंड 8 लाख के अराउंड ही बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन अब 8 से और 31 तक का जब बताएं तो इसमें अराउंड 7 लाख के अराउंड बच्चे बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर यही रेशियो रहता है 17 फरवरी तक, तो अगर ये रेशियो कम होता है तो 7 लाख से 6.5 लाख, 6 लाख तक भी ये जा सकता है जो अपियर होने वाले हैं एग्ज़ाम में। ये बात की बात है, हम फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। आपके लिए ये अच्छी चीज़, अच्छी बात है कि लगभग 2,000 वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। ये होम मिनिस्टर ने भी बताया है, अनाउंस कर दिया है कि मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, 6,000 वैकेंसी अब हो चुकी है। होपफुली हो सकता है कि आपके जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो, रिजल्ट डिक्लेयर हो, जब तक इसमें है जो अराउंड 700 to 800 वैकेंसी और बढ़ जाए, 700 से 800 के आसपास हो सकता है और वैकेंसी बढ़ जाए। अदरवाइज अभी की प्रेजेंट पोजीशन ये है, गवर्नमेंट ने वैकेंसी बढ़ाई है 2,000, ये उन्होंने आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कि देखिए, डेली जो डे बाय डे एग्ज़ाम हो रहे हैं 8 जनवरी से, आप ये मत मान के चलिए कि जो कल एग्जाम हुआ है वैसा ही आपका होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी वेरी कर रहे हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। एक चीज़ जो आपको फोकस करनी है आपके एग्जाम में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये आपको अच्छा स्कोर दिला सकती है एग्जाम में। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं और आपका इसमें अच्छा नहीं है इंटरेस्ट, या आपका लेवल अच्छा नहीं है इसमें, तो आपके पास टाइम है अभी भी, आप प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। इसमें क्या है, ये फिक्स है, आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पर्टिकुलर किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप करके आओगे, और उसमें आपको स्कोर में बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में आपको। अदरवाइज जो जनरल स्टडीज का जीके का पोर्शन है, चाहे वो मध्य प्रदेश की जीके हो, करंट अफेयर्स हो, ये वेरिएबल है और इनका ये बहुत वाइड एरिया है। इसलिए अगर आप एमपी की जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। अभी पिछले 1 साल की जो जनरल स्टडीज है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं से मिल जाएं, बहुत साइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। बाकी आप पूरा फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे रखिए, क्योंकि ये ही है जो आपको एग्जाम में बाकी बच्चों से आगे ले जा सकती है। और इनका इनके जो क्वेश्चन है ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी जो जनरल स्टडीज़ का उसमें कभी इंडिया जीके, कभी करंट अफेयर, कभी मध्य प्रदेश, वो वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है किसका क्या रहेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा आपको कि आपका फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा रखें। अभी बात करते हैं जो अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी बात करते हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस एग्ज़ाम का क्या लेवल रहा है, देखिए बाकी सभी एग्ज़ाम्स का लेवल इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट रहा है, लेकिन जो ये मैं एग्ज़ाम बता रहा हूँ इनका थोड़ा सा मॉडरेट से अबव लेवल रहा है। देखिए, 10 तारीख को, 10 जनवरी को जिनका दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था,
अब तक का सबसे दोनों शिफ्ट में है जो काफ़ी अबव मॉडरेट लेवल रहा है, टफ रहा है, हार्ड पेपर रहे हैं ये 10 तारीख वालों के। नॉर्मलाइजेशन में अगर देखिए, आपको लगता है कि आपके हैं जो 50 मार्क्स स्कोर हो रहा है किसी भी कैटेगरी की बात कर लें, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 8 to 10 मार्क्स हो सकता है मिनिमम आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और बढ़ेंगे आपके स्कोर है जो 10 वालों के। ये एक मोटा सा नॉर्मलाइजेशन में रहता है, जिनका पेपर टफ आता है उनके मार्क्स बढ़ते हैं। 11 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ रहा है, 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा है, 16 जैन को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा है, 17 जैन को सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा है, और जो 24 जनवरी है उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा है। बाकी पेपर सब इजी टू मॉडरेट नॉर्मल पेपर रहे हैं। अगर आपका स्कोर कम है तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी रही होगी, या फिर आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने पढ़ाई तो की लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें किसी शिफ्ट में मार्क्स कम भी होंगे, किसी में बढ़ेंगे भी। तो ये है जो आपके सामने है, 8 से और जो 31 जैन तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये शिफ्ट हैं जिनका पेपर हार्ड रहा है अदर कंपेरिजन टू अदर शिफ्ट के। अब बात करते हैं हम कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। देखिए, पहले हम जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70 ± 3 जनरल का ये रह सकता है, तो ऑब्वियसली अब 2000 सीटें बढ़ गई है। जब 2000 सीटें बढ़ चुकी हैं तो 10,000 नए बच्चे और इसमें एग्जाम में फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, 10,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो कट ऑफ अब इसमें इससे डाउन रहेगा। एक बात और है कि आपके शिफ्ट्स में कुछ डेट्स में है जो क्वेश्चन भी गलत आए हैं एग्जाम में, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत है उनको गलत माना जाएगा या बोनस दिया जाएगा आपको। वो बाद में जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो उसको देखेंगे, लेकिन आपके नुकसान नहीं रहेगा, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो 8 से और 31 जनवरी तक जो एग्जाम लगे हैं उनमें देखिए, जिनका मैंने ऊपर डेट बताया है, ये जो डेट बताई है आपको ऊपर 10, 11, 13, 16, 17 और 24, इनका है जो आप ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इससे कम मान के चलिएगा, क्योंकि आपका पेपर है जो टफ आया है आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये ओवरऑल जनरल है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाली है। जनरल की कट ऑफ है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 65 ± 3, 67 to around, ये 72 के अराउंड रहने वाली है कहीं ना कहीं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम ही जा सकती है। ओबीसी का 62 to 67 के अराउंड कहीं रहेगा कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का 62 to 65 के नियर अबाउट रहेगा। जो शेड्यूल कास्ट हैं 50 to 55 के अराउंड रहने वाला है उनका कट ऑफ एक्सपेक्टेड। जो एसटी का कट ऑफ है 48 to 52 के अराउंड रहेगा। एक्स सर्विसमैन है ये 45 to 50 के अराउंड आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जो फीमेल कैटेगरी में है, देखिए आपके एक ओवरऑल जो है जनरल कैटेगरी का मैं बता दूं, अगर आपके 60 जनरल ओबीसी, जनरल की बात करते हैं, अगर आपके 60+ भी आ रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों में, 60+ जिनके भी हैं वो आप फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बाद में रिजल्ट आएगा जब, ठीक है। लेकिन 60+ जिनके हैं उनके काफ़ी अच्छे चांस हैं 60+ पे आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई कॉल हो सकता है। एसटीएससी की बात करें तो आपके 45+ मार्क्स आ रहे हैं तो एसटीएससी वाले हैं, जो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल में 55 के अराउंड रह सकती है, लेकिन अगर जिनके भी 50+ मार्क्स हैं, 50+ जनरल कैटेगरी में ओबीसी में,
और EWS में जिनके भी 50 प्लस मार्क्स हैं वो फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके 50 प्लस पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। STSC में भी जो 40 प्लस हैं वो आप है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वैसे देखिए ये जो पेपर का ट्रेंड बदला है, ये ट्रेंड बदला है 15-16 के बाद से ये ट्रेंड बदला है, अदरवाइज पहले एक जैसे नॉर्मल से आ रहे थे, लेकिन 15-16 के बाद से पेपर का लेवल है वो धीरे 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 मॉडरेट मॉडरेट अबव मॉडरेट इस तरीके का रहने लगा है। सो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, चाहे कोई आपको 80-85 बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। डे बाय डे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस भी अपलोड किए जा रहे हैं साइट पे, यहाँ तो नहीं किए जा रहे हैं, साइट पे किए जा रहे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं एग्ज़ाम वाइज डे वाइज क्वेश्चंस, जो भी मेमोरी बेस मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।